हेलो मैं स्वागत करता हूँ एक और बार आपके एक और नई वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आज हम जो है जानेंगे कि कैसे हम मैथ की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन PSEB दे सकते हो, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। अभी आपको पता है कि 8th क्लास भी बोर्ड की हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि PYQ क्वेश्चन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उनको। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपको कोई भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मेरा ये क्रोम ब्राउजर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, या फिर गूगल कह सकती हूँ। मैंने गूगल को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे गूगल ओपन करना है, सर्च करना है सिंपल पंजाब एजुकेयर। यू नो कि पंजाब एजुकेयर की एक ऐप है और आपको पहले ही पता होगा 8th क्लास का हम निकालने वाले हैं। तो हम सीधा पंजाब एजुकेयर की ये वाली वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे सिंपल, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट्स कॉर्नर का ऑप्शन मिलता है। तो इसको क्लिक कर लेना है। जो उसे भी बोर्ड क्लास निकालना चाहते हो, बोर्ड क्लास की कौन, जैसे 10th क्लास होगी, 8th क्लास होगी, फिफ्थ क्लास पीछे है आई थिंक, इसके अंदर 8th क्लास पे जाते हैं। तो क्लास यहाँ पे प्राइमरी क्लास आती है, सेकेंडरी क्लास, 5th क्लास होती है। 8th क्लास के अंदर हमने आज का जो सा भी जो है आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, वेलकम लाइफ वैसे अभी शायद रहा नहीं। सो अब हम मैथमेटिक्स के ऑप्शन ओपन क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको नीचे मिलता है सिलेबस सैम्पल पेपर। यही हमारा सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। सैम्पल पेपर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सारे रिवीजन पे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जैसे 2021 से 22 तक के रिवीजन टेस्ट पेपर टर्म फर्स्ट के फर्स्ट 2-3। इस प्रकार से जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये डाउनलोड तो नहीं होंगे अभी, अभी आपको सिर्फ इसका PDF का इंटरव्यू लिखेगा। ये सिर्फ ओनली PCs में नहीं होता है, लैपटॉप में नहीं होता है, ये मोबाइल के अंदर यूज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा आप कहो क्योंकि हम तो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम में है हम, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो ये पंजाबी में भी है और इंग्लिश के अंदर भी है। तो नो प्रॉब्लम, आप आराम से कर सकते हो। खाली था वहाँ पर हो जाए -4/5 + 1/5 = -5/5। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। इक्वेशंस तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, देख सकते हो। इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरव्यू देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए अब हम नीचे रहते हैं, नीचे भी ये काफी सारे, ये तीनों के तीनों आप देख सकते हो। अच्छा डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड सिंपल है, तीनों के इसके अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है ना आपको, ये डाउनलोड का ही ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। आइए हम बैक आते हैं, कर सकते हो आप टेक्स्ट बुक आपकी आ जाएगी। सॉल्यूशंस हल में यहाँ पे वीडियो मटेरियल में भी कुछ है, जस्ट हाँ ऐसे देखना है तो देख सकते हो। वीडियो मटेरियल इनका जो है दिखा देता हूँ आपको, सारा है ये जो सारा है इनका यूट्यूब के ऊपर है, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर हो गया, YouTube.com खुल चुका है, जो भी है सारा यूट्यूब के ऊपर ही है। जैसे इनके सारी जो सारी चीजें हैं वो सारी यूट्यूब के ऊपर है, देख सकते हो। सारे जितने भी चैप्टर हैं, रैशनल नंबर जो भी समझ नहीं हुआ सब समझ सकते हो। एडजस्ट लेक्चर्स भी हैं आपके सामने, टेक्स्ट क्यूबेंस, हाँ ये भी जो है मेनली है जो है सिंपल। आप जो है सिंपली, मैंने सारा बता रहा हूँ अभी आपको, सिंपलीफाइड मटेरियल है सारा। वीकली टेस्ट पेपर मिलते हैं, सिंपलीफाइड मटेरियल मिलता है, शॉर्ट वैसे एमसीक्यूज पे भी आप कर सकते हो कि आपके कितने नंबर आए, वो भी दिखाई आपको, वो भी दिखाएंगे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, 1 मार्क्स में कितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसके अंदर एडजस्ट करके दिए हैं। सिंपली सारा कुछ दे रखा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 मार्क्स क्वेश्चन क्लास 8, यहाँ पर पंजाबी में भी है, इंग्लिश में भी है, सारा कुछ है यहाँ। क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज कौन, ये अलग अलग शीट्स। और फिर सर्कल वाले जो चैप्टर है वो भी, सर्कल वाला जो एक्सरसाइज है मैंने इंटरफेस खुद किया है उसे, ठीक है, वो भी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो 6 मार्क्स वाले जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर से आ जाएंगे, ठीक है।
अभी जो हमारे क्लास में जो ऐसे वन का हुआ था चैप्टर, तो उसके अंदर मेरा कोई ये वाला आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो दे रखे होते हैं वो आपको पढ़ना जरूर है। उसके बाद एमसीक्यू फॉर टर्म फर्स्ट, टर्म फर्स्ट के लिए इन्होंने एमसीक्यू से थ्री चैप्टर जो कि मेन है, वन चैप्टर, थ्री चैप्टर और सिक्स। वन है रैशनल नंबर, And six has squares and square roots. So, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि इसे ज्वाइन करना भी बहुत भी और इंग्लिश के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर आपको मिल जाएगा। बस आपको सेलेक्ट करना है इसको, बस आपको जो है सिंपल फॉर्म के अंदर अगर कहीं तो इसको सिंपली देख सकते हो। यहाँ पर जितने भी MCQs हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी MCQs वाली शीट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन क्यूज, ऑनलाइन क्यूज ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। ये लास्ट पॉइंट है ऑनलाइन क्यूज, जिसको सिर्फ तीन चैप्टर, दो चैप्टर में दे रखा है, इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, इन्होंने आगे नहीं डाला है। ये बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रैशनल नंबर्स जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट, बस आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्कूल नेम डालना है, फिर नेम डालना है, और फिर आपको जो है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो इंडिकेट्स रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है आपने, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, जैसे मेरा मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है कि वहां पे आपको कर लेना है, क्या वो क्लिक करो, भी डिस्ट्रिक्ट है वो क्लिक करना है, फिर नेम क्लिक करना है, स्कूल नेम क्लिक करना है, बस सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो भी आपसे पूछेगा वो सवाल का आपको जवाब दे देना है। उसके बाद सिंपली आप जो है इन दो चैप्टर का ज्वाइन कर सकते हो। सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है।